feel the waves cut through me, hypnotized by the sound. So hello guys, I am back. वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग. और गाइस, दो महीने के बाद फाइनली मैं अपना नया ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ. क्योंकि आपको पता है कि मेरा फ़ोन लॉस हो गया था, तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे मेरे. बाकी फिर मैं वापस आ चुका हूँ. तो गाइस, ये मेरा पहला ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाला है और मैं जा रहा हूँ हरिद्वार. अभी फ़िलहाल गुड़गांव से मैं दिल्ली तक जा रहा हूँ अकेला. और वहाँ पर हमें कुछ फ्रेंड मेरे जिनमें से एक राहुल है वो ज्वाइन करेंगे. तो टोटल हम चार लोग हरिद्वार जा रहे हैं घूमने के लिए. तो बहुत मज़ा आने वाला है. तो गाइस, अभी मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, दिल्ली बस स्टेशन पे हूं. बट यहाँ से हरिद्वार के लिए बस जब पता किया तो वो बता रहे हैं कि कश्मीर गेट से मिलेगी. तो अभी हम कश्मीर गेट जा रहे हैं और ये हमारे फ्रेंड आ चुके हैं. हाय. और ये सब हैं सब जो. तो गाइस, अभी गाड़ी रुकी है खतौली पे. यहाँ से अभी हरिद्वार लगभग 90 से 100 किलोमीटर है. और जैसे हम वहाँ के कश्मीरी गेट आए थे तो वैसे ही वहाँ पे बस मिल गई थी हरिद्वार के लिए. तो ये पीछे हमारी बस है. तो फाइनली गाइस, हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं. काफ़ी मेहनत लगी पहुंचने में. और क्या नाम है, सुबह 1:30 बजे हम लोग मैं निकला था दिल्ली से. और ये लोग तो हम लोगों को 15 घंटे हो चुके हैं बस में बैठे बैठे. ये लोग एक्चुअली फरुखाबाद से आए थे, तो ये लोग सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं. तो इन्होंने तो काफ़ी लंबा सफर तय किया. हम सब लोग दिल्ली में 1:30 बजे निकले थे. सुबह पूरा मजा लेंगे यार. हाँ, देखे रहो. उसके बाद 7:30 हो रहे हैं अभी. तो अभी फाइनली हम हरिद्वार पहुँच गए हैं. और अभी हम जा रहे हैं कोई धर्मशाला या होटल देखते हैं, फिर स्टे करते हैं, फिर जो भी होगा आगे बताएंगे आपको. तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने रूम पे. और जस्ट रूम के पास में ही एक होटल था, तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने डिनर किया. और अगर आपको डिनर का रेट बताऊं तो मतलब कि जो नॉर्मल थाली थी वो 100 रुपये के हिसाब से थी. तो हम लोगों ने सब ने वही लिया, नॉर्मल सिंपल वेज खाना लिया था. कल बहुत कुछ होने वाला है. कल हम लोग हरिद्वार और भी जो भी मनसा देवी है और भी जगह जहाँ पे भी जाते हैं सब आपको अपडेट हो जाएगा. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. तो अभी हम लोग उठ चुके हैं और थोड़ा चाय पी के फिर हम लोग जाएंगे आगे हरकी पौड़ी. Oh,
जस्ट अभी लोग हम स्नान कर चुके हैं यहाँ पे घर की बॉडी पे, और देखिए टीका भी लगवा चुके हैं। तो अभी आनंद आया, आप लोग भी आइए मजे लीजिए। हाँ, तो अभी हम चलते हैं मनसा देवी टेम्पल, फिर आपको आगे बताऊँ। अभी गाइज मनसा देवी टेम्पल से पहले हम लोग अभी जा रहे हैं, जस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे महादेव की मूर्ति है, तो अभी फिलहाल हम पहले वहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे और उसके बाद फिर हम मनसा देवी के लिए ऊपर यात्रा करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ ऊपर हमें पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा, तो फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ महादेव जी की मूर्ति के पास। गाइज यहाँ से आपको एक व्यू पॉइंट दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मुझसे रुका नहीं जा रहा है, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। फाइनली गाइज जो मैं महादेव जी की मूर्ति दिखा रहा था, फाइनली हम पहुँच गए हैं। वहाँ से बहुत पास लग रहा था, थोड़ा चलना पड़ता है, तो फाइनली पहुँच गए। अभी कुछ आपको सिनेमैटिक व्यूज देता हूँ महादेव जी मूर्ति के। तो अभी महादेव जी के दर्शन तो हो चुके हैं, बट अभी जो सामने आप देख रहे हो, सामने जो चोटी पर देख रहे हो, ये है मनसा देवी का मंदिर। तो अभी फिलहाल हमें वहाँ पे जाना है, तो पहले हम अभी रूम पे जाएंगे अपने, क्योंकि थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ली हमने, तो काफ़ी सामान हो चुका है, तो उसको लेकर हम ऊपर नहीं जा सकते, ज़्यादा वजन हो जाएगा, तो पहले रूम पर जाते हैं, सामान रखते हैं। तो गाइस आप रूम देख लो हमारा कैसा है, तो ये कुछ रूम है हमारा, एक पूरा बड़ा बेड है और एक छोटा बेड है, और यहाँ पे खिड़की है, इसको आप खोल भी सकते हो। तो ये कुछ है, पंखा है, और इधर बाथरूम है, वॉशरूम, तो ये कुछ रूम है, और इसका किराया है 200 रुपये पर है एक नाइट का। गुड बॉय। गुड बॉय नहीं है, उसे पसंद नहीं है, नहीं खाएगा। उसी अंदर रख दो ये बिस्कुट।
थैंक यू गाइज, अभी तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और होप यू एंजॉय इट। अभी गाइज मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। अपडेट ये है कि जो मनसा देवी वाला जो व्लॉग है, जो भी वीडियो पोर्शन है, वो इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा, क्योंकि अगर वो पार्ट मैंने अगर ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। हम कैसे अर्घी पौड़ी से स्टार्ट करते हैं, ऊपर जाते हैं और फिर माता जी के दर्शन करते हैं, फिर वहाँ से नीचे आते हैं, तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर मैंने वो पोर्शन भी अगर ऐड कर दिया तो कम से कम वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और 25 से 30 मिनट की हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये प्लान बना रहा हूँ कि उसका पार्ट टू मैं लाऊँ, केवल मनसा देवी का, और उसके बाद फिर ऋषिकेश का थर्ड पार्ट आएगा। तो ये कुछ होने वाला है। अब मैं आपको दे देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप दिल्ली गुड़गांव से जाना चाहते हो बाय बस, तो आपको आनंद विहार बस स्टेशन से नहीं मिलेगी बस, और ना ही कौसाम्बी से मिलेगी। आपको मिलेगी कश्मीरी गेट ISBT से बस, और बस का कुछ ऐसा है किराया है कि 300 रुपये पर पर्सन है, और बसें मतलब वहाँ से तक जाती रहती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो ट्रेन से भी जा सकते हो। और तीसरी चीज़ ये गाइज, अगर आप हरिद्वार जाते हो तो प्लीज़, अगर आप होटल लेते हो या फिर कोई भी सामान लेते हो वहाँ पे, कोई भी शॉपिंग करते हो, तो प्लीज़ बार्गेनिंग ज़रूर करें। अगर मान लो कोई भी चीज़ आपको 500 रुपये बोल रहा है, तो उसमें बार्गेनिंग ज़रूर करें। वो आपको कम से कम 400 रुपये या मतलब 350 तक भी आपको मिल जाएगी। ये मैं आपको बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ। तो गाइस अभी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं अभी जो भी इन्फॉर्मेशन और टिप्स हैं वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में बताऊँगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपने इन्जॉय किया तो प्लीज़ लाइक इट, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है और इसको एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगी है। और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारा चैनल, ताकि आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी देख पाएँ। इसी तरह से मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू गाइज़।